गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की चर्चा करेंगे और उस चर्चा से आगे जाते हुए एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। चूँकि हमने आपको बताया था कि जो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में क्लास 8 के लिए जो मैंने वीडियो बना रखा है स्पेशली डिफिनीशंस के लिए, जो वो डिफिनीशंस आपको हमेशा काम आएंगे, आप किसी भी क्लास में रहो वो डिफिनेशन बिल्कुल का बिल्कुल सत्य। तो हम डिफिनेशन को भी रिकॉल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइंस को। ठीक है, तो पहली बात है माय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस एज ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज ग्रेटर देन जीरो और क्यू इज पॉजिटिव, एंड पी एंड क्यू बोथ ओके आर को प्राइम्स। जैसे किसी भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और यहाँ अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहने के लिए क्या होगा, क्यू इज पॉजिटिव एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या होना चाहिए, दोनों को प्राइम होना चाहिए। पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम और इक्विवेलेंट प्राइम। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम या इक्विवेलेंट प्राइम। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को लिख सकते हैं क्या, डिफिनेशन आर रैशनल नंबर नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज इन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ P by Q. Here Q is positive and P and Q are co-primes. Co-primes. Co-primes का मतलब होता है P और Q का एक ही फैक्टर होगा और वो भी वन होगा। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, एक ही फैक्टर हो और वो भी वन, तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। चलिए डिफिनेशन हमने क्या लिखा, अ रैशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हेयर क्यू इज पॉजिटिव एंड पी एंड क्यू आर बोथ को प्राइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है, को प्राइम्स लिखने का मतलब यह है कि बोथ पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिविजर, या इसको आर को प्राइम्स की जगह पर लिख सकते हैं एंड पी एंड क्यू हैव, यहां से लिख सकते हैं, हैव नो कॉमन डिविजर अदर देन वन, अदर देन वन, तो दोनों कहने का मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, ये इतना के लिए मुझे इतना लिखना पड़ेगा, अगर मान लिया कोई प्राइम का आपको डिफिनेशन मालूम नहीं है तो मुझे इतना लिखना पड़ेगा। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 9/12, 9/12 9 का फैक्टर जानो जरा, 9 का फैक्टर क्या, 1 3 3, ओके, प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन की बात करें तो। ठीक है, और 12 क्या होगा, 1 2 2 3। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ 9/12 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये 9 और 12, ठीक है, ये कैसा है, इक्विवेलेंट है, किसका है, पता लगाना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉमन, 1
3, मतलब कि अदर देन 1 फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि ये 3 हट जाए, ठीक है, ये 3 हट जाए तो इसके पास एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर, वो भी 1 ही बचेगा। तो वो कौन सा नंबर आता है? 9 के लिए 3 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में कौन कौन से आते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 3/4। तो 3/4 क्या हो गया? 3/4 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ 9/12, ओके, 9/12 का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन हो गया? 3/4। उसी तरीके से 7/14 का निकालेंगे, 7 का कॉमन फैक्टर कौन होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, 1 और 7। चलिए अब 14 का जरा देखते हैं, 1, 2, 7, ठीक है, 1, 2 और 7। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 1 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, तो सिर्फ 1 रहना चाहिए, मतलब 7 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 7/7 आएगा, इधर नीचे 2, तो 1/2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा? 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 7/14 को 1/2, या फिर इसको करने का तरीका है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी 7 से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी, क्या पाओगे? 7/7=1, 14/7=2, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? 3/4, तो 3 3 9, 4 3 12, इसको क्या लिखेंगे? 3/4। अब ये जो नंबर है, ये और ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अब हम जरा रेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे भी ड्रॉ करने के लिए सीखे, नंबर लाइन पे भी देखे इसका ज्योमेट्रिक फॉर्म किस तरीके से दिखता है। नंबर लाइन क्या होता है? अ ग्रेजुएट लाइन, ठीक है, अ ग्रेजुएट स्ट्रेट लाइन। ग्रेजुएट मतलब एक मार्किंग लाइन होता है, ठीक है, तो जिसमें मार्क किया हुआ रहता है 0, कोई फिक्स डिस्टेंस पे 1 होगा, और ये डिस्टेंस को मार्क करके हम यहाँ लिखेंगे ये होगा 2, क्योंकि 1 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस, ये दुगना दूरी है, इसीलिए यहाँ का मार्किंग 2। और से प्रोसीजर हम अपनाएंगे आगे के, तो हम अब देखते हैं 3/4 को क्या करेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो 3/4 को दर्शाना, चलो हम 1 का इक्विवेलेंट नंबर क्या लिख सकते हैं? 4/4 लिखेंगे, 4/4=1, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको हम 4/1 को 4/4 लिखते हैं, 4/4, इसका मतलब क्या हुआ कि 0/1 का जो लाइन है, 0/1 के बीच में जो लाइन है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो 4 इक्वल भाग में डिवाइड करो, ठीक है, ठीक है। तो एक डिस्टेंस इधर, 2 3 3, 1 2 3 4, तो ये क्या हो? 4/4, ये 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसको लिखे ये छोटा सा भाग, ये चौथा पहला भाग, टोटल 4 भाग, 4 भाग में पहला भाग लिखे तो कैसे? 1/4, फिर ये दूसरा 2/4, ये तीसरा 3/4, और चौथा 4/4। तो आपने देखा कि 0 से 1 के बीच में मैं 4 भाग लगाया, और 4 को नाम इस तरीके से दिया, पहले भाग को 1/4, दूसरे भाग को 2/4, तीसरे भाग को 3/4, और हमें ये 3/4 को दिखाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये 0 को O लेते हैं और इस पॉइंट को A लेते हैं, ठीक है, तो O A इक्वल टू लिखते हैं 3/4, ठीक है, एंड पॉइंट A, ठीक है, O इक्वल टू क्या हुआ? 3/4, और ये पॉइंट ए जो है, ये क्या है? 3/4 का बिंदु है। चलिए इक्वल टू हम 3/4 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
और आप चाहें तो इसमें नामकरण भी सभी का दे सकते हैं, ए या बी या सी या डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और हमेशा जीरो के लिए ओ का निरूपण करते हैं, ओ फॉर ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर टू में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। हम टू इंटीजर 1/3 को कैसे दर्शाएं, कैसे सॉल्व करें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 + 1 = 7/3, ठीक है, 7/3। तो 7/3 को दर्शाना है, तो हम क्या करें कि हम जानते हैं 3/3 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 6/3 होता है कितना होता है, 2 होता है। अब ये 7/3 है, इसका मतलब 6, 9/3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो मुझे 0 से 3 तक की संख्या लेना होगा, 0, 1 यही डिस्टेंस इतना, 2 यही डिस्टेंस, 3 है ना। और अब मुझे क्या करना है कि ये जो नंबर दो तरीके से बना सकता हूँ इसको मैं, या तो ये यहाँ तक 2 है सही है, ये 2 इंटीजर 1/3 को लिख सकते हैं 2 + 1/3, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो 7/3 आएगा। तो यहाँ तक तो हम रहने देते हैं, और इसका हम तीन पार्ट करते हैं, ठीक है, इस बात को हम तीन पार्ट करते हैं, तीन पार्ट में पार्ट होगा, और इसका जो पहला पार्ट होगा और वही ये 1/3 है, ठीक है, और ये 2 + 1/3 इसको लिख देते हैं, तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा 2 + ओपी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2, और ये जो बटा पार्ट कितना है, शुरू करेंगे 2 से लेके 1/3, और ये जो शुरू कर रहे हैं ये मार्किंग है, इसको अगर मार्किंग है इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए, ये 2 से जा रहा कितना जा रहा है, ये 1/3 जा रहा + 1/3 ओपी इक्वल टू 2 + 1/3। अगर हमने इसको तीन पार्ट में बांट दिए, इसको 1/3, इसको 2/3, इसको 3/3, ठीक है, तो आप देखो 2/1 + 3 इसके लिए, और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 2 + 2/3, ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए 2 + 3/3, ठीक है। तो जरा देखो 2/3 + 3 = 3/3, 3 = 3, और 2 + 1 = 3, देखो ये कितना है, 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 1, और इस 1 डिस्टेंस को मैंने 3 पार्ट में बांटा, तो जो पहला पार्ट है 1/3, दूसरा पार्ट 2/3, तीसरा पार्ट 3/3, इसका ना कि यहाँ से, उसके बाद 2 से मैंने ऐड किया, कितना ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, सही है। चलिए अब दूसरे तरीके से कैसे करें, दूसरा तरीका देखते हैं, वो तरीका जिसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दो नंबर के बीच में हमें दो नंबर के बीच में मुझे बहुत सारे रेशनल नंबर चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन था 2 इंटीजर 1/3, ठीक है, इसको हमने लिखा 7/3, हमने क्या किया था, नंबर लाइन शो किया था, तो एक जगह मैंने 0 शो किया था, फिर 1, 2, 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखें, 9/3 लिखें, 9/3 कितना होता है, 3 × 3 = 9, तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 3 तक को हमें 9 पार्ट में बांटना है, इसका मतलब प्रत्येक भाग को हमें 3 पार्ट में बांटना होगा, तो इक्वल डिस्टेंस यही होगा यहाँ,
1, 2, 3, ये क्या हो गया, ये 1/3, 2/3, 3/3, तो हम इसको 1 नीचे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 कितना होता है 1। चलिए यही पार्ट, यही काम करना है दूसरे बार 1 से 2 के बीच में, 1, 2, हमने दो इक्वल पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है, तीन इक्वल पार्ट में बांट। चलिए ये 3/3 हो गया, इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, जब 3/3 हुआ चूंकि ये बराबर ही है तो इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें 5/3, इसको क्या लिखें 6/3, 6/3 क्या होता है 2 होता है, 6/3 कितना होगा 2, उसके बाद फिर इसी तरीके से तो इसको क्या लिखें 7/3, इसको क्या लिखें 8/3, और ये तो 9/3, 3, ओके, तो 3/3 1, 6/3 2, 9/3, 3, ठीक है, तो हमें 7/3 को शो करना था, 7/3 क्या है ये, मैं इसको लिख देता हूँ ए, तो ओ, और ये है 0 है, ठीक है, 0 को ओ, ओ से सूचित करें, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया 7/3, कोई दिक्कत नहीं, 7/3 को रिप्रेजेंट करना था, ओ ए डिस्टेंस दिया, ठीक है, अगर पूछेगा 7/3 कहाँ है, तो ए पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो ए है ये 7/3 का प्लेस जगह, ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन कि हमें 0 से लेकर 7/3 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताइए, 0 से लेकर 7/3 के बीच में 6 रेशनल नंबर, देखो 1/3, 2/3, 3/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ 6 हो ही गया। अब कोई पूछता है 1 से लेके 2 के बीच में या 1 से लेके 7/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताइए या 4, तो क्या करना है, गिन लेना और लिख देना 1, 2, 3, 4, इसको लिख देना, यही हो गया है ना। अगर 10 की बात किया जाए, अगर 10 की बात किया जाए, ये हमें 4/3 और 5/3 के बीच में 10 रेशनल नंबर चाहिए, 4/3 के बीच में और 5/3 के बीच में, 10 की बात कर रहे हैं ना, टेंशन मत लो, ठीक है, न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कर दो, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी मल्टीप्लाई किया दोनों में सेम से 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब हमने इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा, जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा तो इसका मतलब है कि उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होगा, तो इसको हम क्या लिखे 40/30, और ये क्या हुआ 15/30, तो अब क्या करो गिनती गिनना शुरू कर दो, काउंटिंग शुरू कर दो 40/, तो अगर इसके बीच में 10 रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहा है तो हम 10 रेशनल 8 रेशनल नंबर का निकाल लेंगे। अब देखिए तो 40 से के बाद क्या आया 41/30, 42/30, 43/30, 49/30, ठीक है, ये सब सारे जो हैं ये किसके बीच में है 40 से लेके 50/30 के बीच में, जो कि 4/3 से लेके 5/3 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसे जिसे आपको करना होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। चले रेशनल नंबर क्लास 8 का वीडियो, वही बात बिल्कुल सेम है क्लास 7 में भी, आपको देखनी चाहिए, और उसके बाद ये एक्सरसाइज 4 भी आपको बनाना है, बनाएंगे आसान बनाएंगे। हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और पीछे से भी रिवाइज करते चलिए, कुछ दिन में टेस्ट भी होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।